Hello and warm welcome to this lecture series. I, Dr. Narendra Singh, going to deliver a lecture on a very important topic, Dyrendorf. He is a conflict thinker. This topic is specially designed for the students of MA or those students who are preparing for UGC NET examinations or UPSC aspirants. Let's begin the topic. We will begin with the works of Dyrendorf. You know that Dyrendorf is a functionalist thinker, but there are certain similarities. He tries to, you know, balance the functionalist approach and the conflict approach. Like functionalist, conflict theories are oriented towards the study of social structures and institutions. We all know that functionalist also talks about the social institutions. And in the same manner, conflict also talks about the social institutions and social structures. It means both are very much concerned about the, you know, society as such, okay, the functioning of society. For functionalists, order, stability is important. It should not be disturbed. Status quo should be maintained. But for conflict thinker, change is inevitable. A conflict is, you know, positive. It is not always conflict is bad. We should not present conflict in bad light always. So this is how, in this particular, you know, dimension, we will try to explain the comparison between functionalists and conflict thinkers and the viewpoint of the Dyrendorf, how he view the conflict approach in his own words. जैसे कि फंक्शनलिस्ट जो हैं वो बात करते हैं किसकी, स्टेबिलिटी की, ऑर्डर की, इक्विलिब्रियम की. और उनका ये मानना है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये बने रहना चाहिए, क्योंकि जब चेंज आता है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है. इसलिए वो चाहते हैं कि सोसाइटी जिस जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में बनी रहे. और उनका ये मानना है कि सोसाइटी में जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और सोसाइटी का अपना एक मैकेनिज्म है, वो अपने आप उसको ठीक कर लेगी. अगर मान लीजिए दरखीम जी कहते हैं कि सोसाइटी में जो क्राइम है वो भी फंक्शनल है, क्राइम भी फंक्शनल है. कैसे फंक्शनल है? वो कहते हैं कि सोसाइटी में जो 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 कलेक्टिव कॉन्शियंस के खिलाफ जाता है तो सोसाइटी उसको अपने आप ठीक ठाक कर लेती है. तो वो डिवियांस को भी बुरा नहीं मानता, क्राइम को भी बुरा नहीं मानता. लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है उनका व्यू पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है. वो उस सोसाइटी के स्टेटस को में यकीन नहीं करते. वो कहते हैं कि बदलना कुदरत का नियम है और बदलेगी ही दुनिया, आप इसको रोक नहीं सकते. अगर आप इसको रोकने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज सोसाइटी एट एवरी पॉइंट इज सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ चेंज. जैसे मौसम बदलते हैं ऐसे इंसान भी बदलते हैं, इंसानों की सोच भी बदलती है, उनके बिलीफ्स भी बदलते हैं, उनका फेथ सिस्टम भी बदलता है, उनका सही गलत भी बदलता है. जब हम बच्चे थे तो तब हमें कोई एक टॉफ़ी देता या चॉकलेट देता तो हमें अपनी तरफ कर लेता था. लेकिन आज अगर हमें कोई टॉफ़ी दे या चॉकलेट दे तो क्या हम उसके साथ हो जाएंगे? हम नहीं होंगे उसके साथ, क्योंकि अब हमारी लाइकिंग जो है वो सिर्फ एक टॉफ़ी तक सीमित नहीं है. तो इट मीन्स कि हमारी जो लाइकिंग्स हैं, हमारी जो टेस्ट हैं, हमारी जो हैबिट्स हैं, वो समय के साथ बदल गई हैं. पहले जो हमें अच्छा लगता था अब हमें इतना अच्छा नहीं लगता, पहले जो हमें बुरा लगता था अब हमें ठीक लगता है, ठीक है. तो जब चेंज होना ही है तो फिर हम चेंज को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अगर इंडिविजुअल में चेंज हो रहा है, उसकी पर्सनालिटी में चेंज हो रहा है, तो वही इंडिविजुअल तो सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है. वही इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जब एक कलेक्टिव लेवल पे आती है तो वो सोसाइटी का निर्माण करती है, तो फिर वहाँ चेंज क्यों नहीं होगा? इसलिए जो कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स हैं वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक सोच रखते हैं, और उनकी सोच जो है वो ज़्यादा
आज के दौर में हमें मतलब कह सकते हैं कि वो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते मॉडर्न एरा में खासकर। क्यों? क्योंकि मॉडर्न एरा में तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से तो बहुत चेंज हुआ है। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से एडवांस कर रही है कि पहले 2G आया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 3G आया, फिर 4G आया, अब तो 5G आ गया। पहले तो हम सिर्फ कॉल ही कर सकते थे। उससे पहले की बात करें तो हमारे यहाँ टेलीफोन होता था, और टेलीफोन से भी पहले बात करें तो हम चिट्ठियाँ भेजते थे। राजाओं के ज़माने में एक घुड़सवार होता था, वो चिट्ठी लेके जाता था बहुत दूर तक, और पता नहीं चिट्ठी पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। अंग्रेज़ों के टाइम में वायरलेस सिस्टम शुरू हुआ, थोड़ा एडवांस हो गया, टेलीग्राफ सिस्टम शुरू हो गया। अब धीरे धीरे फिर वो टेलीफोन की तरफ आ गया कि अब आप तो बात भी कर सकते थे आप किसी व्यक्ति से, दूर बैठे हुए आदमी से। फिर वो टेलीफोन भी एडवांस हो गया, फिर वो मोबाइल फ़ोन में आ गया। अब आप मोबाइल फ़ोन में से किसी से भी बात कर सकते थे। आपने नोकिया 1100 वाला टाइम देखा कि उसमें एक आदमी, वो एक नया दौर था, 2000 के आसपास का पीरियड है, ठीक है, जब ये सब चीज़ें हुई तो एक बहुत बड़ा उसमें चेंज आया सोसाइटी में। अब लोगों को चिट्ठी डालने की ज़रूरत नहीं थी, अब लोग फ़ोन पे ही बात कर सकते थे। फिर धीरे धीरे डाटा वाला सिस्टम भी आ गया इसमें, 3G टेक्नोलॉजी आ गई कि अब तो आप मैसेज भी भेज सकते हैं, और कुट वगैरह फेसबुक वगैरह शुरू हो गए, ठीक है, SMS वाला सिस्टम शुरू हो गया कि अब आप फ़ोन के थ्रू मैसेज भी भेज सकते हो, अपनी बात भी रख सकते हो, सिर्फ बात ही नहीं करोगे बात लिख भी सकते हो। फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो अब सिर्फ बात कर नहीं सकते, लिख नहीं सकते, अब जो बात कर रहा है उसको देख भी सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी आ गई। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई कि अब यही जो आपका स्मार्टफोन है तो उसके लिए वो कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो गई। तो एक टेक्नोलॉजी ने आपके सोशल रिलेशंस कितने चेंज कर दिए, इकोनॉमिक रिलेशंस कितने चेंज कर दिए, पॉलिटिकल सिस्टम को कहाँ तक चेंज कर दिया। कम्युनिकेशन, मास मीडिया कम्युनिकेशन की वजह से क्या हुआ कि 2013-14 में बहुत सारे जो करप्शन, जो स्कैम्स हुए, उसको बड़ा हाईलाइट किया गया, अन्ना हजारे मूवमेंट चली, और जिसकी वजह से पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है वो डिस्टेबलाइज हो गई। आम आदमी पार्टी आई सरकार में, कांग्रेस बिल्कुल वहाँ से साफ हो गई दिल्ली से, ठीक है, एक नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो गई, एक नई तरह की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जन्म ले लिया। क्यों? क्योंकि मास मीडिया की वजह से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से। आज तो जितनी भी पॉलिटिकल कैंपेनिंग होती है वो तो बाया इसी मास मीडिया के थ्रू होती है, सारे लीडर्स अपनी बात इसी मास मीडिया के साधनों से लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मन की बात करते हैं तो वो भी तो एक मास मीडिया का एक साधन है। कोरोना पीरियड आया, हमने देखा कोरोना पीरियड में हम स्कूल नहीं जा सकते थे, हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना था, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी, तो फिर क्या करें, एजुकेशन कैसे होगी, तो हमने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन होगी, घर बैठे एजुकेशन होगी, इसी मोबाइल फ़ोन की तरह मदद से, इसी मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या किया, घर बैठे अपनी एजुकेशन हासिल करना शुरू कर दिया। तो जब इतने सारे चेंजेस हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के आने की वजह से, तो हम कैसे कह सकते हैं कि चेंज को हम अवॉइड करते हैं। चेंज को तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अगर हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, हम उसी फ्यूडल दौर में चले जाएंगे। तो ये बात जो है कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स अपने अपने तरीके से रखते हैं, जबकि जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं वो यही मानते हैं कि सोसाइटी को अगर हमें इकट्ठा रखना है तो कॉमन नॉर्म्स होने चाहिए, कॉमन वैल्यूज़ होने चाहिए, कॉमन मोरालिटी होनी चाहिए, एक कलेक्टिव, एक कंसेंसस होना चाहिए, नहीं तो सोसाइटी में डिसऑर्डर जनरेट हो जाएगा।
और ये मानते हैं कि इस तरह की जो शेयर्ड सोसाइटल वैल्यूज़ हैं वो सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करती हैं। जबकि डेरेंडॉफ जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट और कंसेंसस दोनों का बैलेंस बनाते हैं। ही इज द एक्सपोनेंट ऑफ द पोजिशन दैट सोसाइटी हैज़ टू फेसेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंसस। ना हम कंसेंसस को अवॉइड कर सकते हैं ना ही हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, दोनों फेसेस हैं, एक सिक्के के दो पहलू, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। कंसेंसस थ्योरीज अकॉर्डिंग टू हिम should examine value integration in society, and conflict theorist should examine the conflict of interest and coercion that holds society together in the face of these stresses. इसका कहना है कि जो consensus theorists हैं उनका काम होना चाहिए कि वो value integration देखें, लेकिन जो conflict theorists हैं उनका ये काम है ये देखना चाहिए कि कैसे जो conflict interest जो हैं वो clash करते हैं, कैसे कोर्शन भी सोसाइटी को इंटीग्रेट करती है। ये नहीं है कि कोर्शन हमेशा सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट करती है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूं। जैसे आपकी अपने गांव वालों की आपस में नहीं बनती हो, आपस में उनका झगड़ा हुआ हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हो, लेकिन अचानक ऐसी कोई मुसीबत आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ गया, जो सब पे आ गया, क्या उस समय आप वो सब चीज़ें देखोगे कि आप इकट्ठे हो जाओगे? आप इकट्ठे हो जाओगे, आप वो सारे डिफरेंस भूल जाओगे और वो जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन इमर्ज हुई है उसने वो सारे डिफरेंस क्या कर दिए, दूर कर दिए। इसलिए आपने देखा होगा जब वार का टाइम होता है तो ज़्यादा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दिखती है, तब ज़्यादा यूनिटी दिखती है, सोसाइटी में ज़्यादा कोहेजन दिखता है, क्योंकि हम अपने डिफरेंसेस को भूल जाते हैं और एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट से लड़ते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट हमें दूसरों से जुड़ना सिखाता है, इंटीग्रेशन भी सिखाता है, हमेशा वो तोड़ना नहीं सिखाता। लड़ाई के समय में हम चाहे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हों, हमारे कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लेकिन जब देश पे हमला होता है तो हम सभी देशभक्त हो जाते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमें इकट्ठा कर देता है, हमें राष्ट्रभक्त बना देता है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बुरा नहीं होता। डेरेंडॉफ रिकॉग्नाइज दैट सोसाइटी कुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट बोथ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंसस विच आर प्री रिक्विजिट फॉर इच अदर। डेरेंडॉफ का मानना है दोनों ही जरूरी है, कंसेंसस भी जरूरी है तो कॉन्फ्लिक्ट भी जरूरी है। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, हमेशा पीस पीस रहेगी तो फिर आप तब भी ग्रो नहीं कर पाओगे। जैसे हम पूरा साल पढ़ाई नहीं करते, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि डेट शीट आ गई है एग्ज़ाम की तो हम एकदम बैठ जाते हैं किताबें खोल के, और जो पूरे साल में नहीं पढ़ा वो हम 10-15 दिन में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेस है, एक कोर्शन है, प्रेशर है कि हमें एग्ज़ाम पास करना है, और वही चीज़ हमें सिखा देती है। अगर एग्ज़ाम ना रखे जाएं तो स्टूडेंट कभी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेंगे, वो प्रेशर जो है वो उनको क्या कर रहा है, उनको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, उनको डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा है। जब आपके जीवन में परेशानी आती है तो आप और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हो, क्योंकि अब आपको सर्वाइव करना है। जब आप कंफर्टेबल पोजिशन में होते हो तो आप बिल्कुल निठल्ले से होते हो, आपकी जितनी भी आपके पोटेंशियल्स हैं वो बाहर निकल के नहीं आते। जैसे एक बच्चा घर में जब तक रहता है तो वो माँ के ऊपर डिपेंड होता है, भाई के ऊपर डिपेंड होता है, बाप के ऊपर डिपेंड होता है। आज मैंने ये नहीं खाना, आज आपने दाल बना दी, मेरे पसंद की सब्जी नहीं बनाई, मेरा मन नहीं है खाने का, जिद करेगा क्योंकि मिल रहा है ना। लेकिन वही बच्चा जब बोर्डिंग में जाता है, जब बाहर पढ़ने जाता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए दूसरे शहर में जाता है, तो फिर पता चलता है कि वो माँ के हाथ से बना हुआ खाने की क्या अहमियत है, फिर पता चलता है उस रोटी की क्या अहमियत है, जिसको वो कहता था ये मुझे स्वाद नहीं लग रही, क्योंकि वो रोटी भी वहाँ मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। अब ऐसे लगता है कि
अब रोटी पकाना तो एक बहुत बड़ा काम है। मुझे तो लगता था कि मेरी माँ तो कोई काम ही नहीं करती, मेरी छोटी बहन तो कोई काम ही नहीं करती, लेकिन अब खुद झाड़ू भी लगाना पड़ता है, बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, तो फिर एहसास होता है कि ये काम कितने ज़रूरी हैं और ये सीखने चाहिए। फिर आपने झाड़ू लगाना भी सीख लिया, बर्तन मांजना भी सीख लिया और रोटी बनाना भी सीख लिया, क्योंकि क्राइसिस ने सिखाया आपका, अगर आप नहीं करोगे तो आप मारे जाओगे। इसलिए लर्निंग कहाँ होती है? क्राइसिस में होती है। क्राइसिस ही आपको महान बनाता है। दुनिया में जितने भी महान स्कॉलर्स हुए हैं वो महान इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने महान दुख देखे। अगर वो दुख से नहीं गुजरते तो वो महान नहीं होते, वो आम आदमी रह जाते। तो दुख ही इंसान को महान बनाता है, क्राइसिस ही इंसान को, जो उसको फेस कर लेता है, जो बर्दाश्त कर लेता है, जो सह लेता है, वो महान हो जाता है, और जो भाग जाता है वो पिछड़ जाता है। जैसे महाभारत में एक घटना आती है जिसमें जो रानी कुंती जो है वो भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ तो आप मांगिए क्या चाहते हो, तो वो कहती है कि मुझे दुख दीजिएगा। वो कहते हैं आपसे गलती हो रही है, आप दुख क्यों मांग रहे हो, लोग तो सुख मांगते हैं। कहते हैं नहीं नहीं मुझे दुख चाहिए, क्योंकि दुख में ऊपर वाला याद रहता है और दुख में इंसान गलत रास्ते भी नहीं चलता, और दुख में इंसान की ग्रोथ होती है, सुख में इंसान बिगड़ जाता है, सुख में इंसान डिक्लाइन करता है, ग्रोथ नहीं होती उसकी, तो इसलिए मुझे दुख दीजिएगा। आपने नेल्सन मंडेला की कहानी सुनी, किस तरह की हालातों से गुजरे, बाद में उन्होंने वो जो रेसिज्म के खिलाफ जो मूवमेंट लड़ा, आज वो लोग उनको जानते हैं। महात्मा गांधी की कहानी आपने सुनी कि एक अच्छे खानदान में पैदा हुए, लेकिन एक बड़ा स्ट्रगल देखा जब आज़ादी की मूवमेंट में, जब आज़ादी की मूवमेंट में वो नहीं पढ़े, जब वो साउथ अफ्रीका नहीं गए और वहाँ पे उन्होंने डंडे नहीं खाए, कोई उनको नहीं जानता था, जब वहाँ पे उन्होंने गोरे और कालों के बीच में भेदभाव होते देखा कि उसको इसलिए ट्रेन के डब्बे से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो काला था, उसको एहसास हुआ कि काला होना कितना बड़ा क्राइम हो गया है, कि मुझे तो जानवरों से भी कम ट्रीट किया जा रहा है। जब वो उसके लिए बैठ गए लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका में, रजिस्ट किया उन्होंने, मार खाई, दुख देखा, तो लोग जानने लगे कि ये कोई आदमी है। 1950 में जब वो भारत आए और यहाँ पे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जुड़े और पूरे देश की यात्रा की, वो देखा कि मेरे देश के लोग कितने गरीब हैं, कितने पिछड़े हुए, इसलिए मुझे कोई अधिकार नहीं पड़ता कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, क्योंकि मेरे देश का कितना 80-90% लोग तो गरीबी में रहे, इसलिए उन्होंने भी वो आम आदमी का कपड़े पहनना शुरू कर दिए, धोती कुर्ता जो था। और उसी स्ट्रगल से ही वो महात्मा कहलाए जाने लगे, नहीं तो गांधी को कोई नहीं जानता अगर वो स्ट्रगल नहीं करते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कहानी हम जानते हैं, कितने स्ट्रगल से उन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की, और जब वो एक मुकाम पे पहुंचे तो हर किसी ने अप्रिशिएट किया कि ये आदमी किन हालातों से गुजर के यहाँ पहुंचे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इट मीन्स कि हमें देखने को मिलता है हमारे जितने भी रिलीजियस प्रीचर्स हैं या जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम गॉड का दर्जा देते हैं, चाहे वो मोहम्मद साहिब हों, चाहे वो गुरु नानक हों, चाहे कबीर हों, चाहे नामदेव हों, चाहे हम उनके भगवान कृष्ण कहें, राम जी कहें, अगर हम उनके जीवन की स्टोरीज पढ़ें तो हमें लगता है वो तो दुख ही देख के आए, उन्होंने तो इतने दुख देखे इसलिए लोग वो आज महान हो गए, आज हम उनको याद करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनकी ज़िंदगी से। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट क्या है? फंक्शनल है, कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ही ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल वो देता है डैरेन डॉफ, वो कहता है कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड टू कंसेंसस एंड इंटीग्रेशन, फॉर एग्जाम्पल एन अलायंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान दैट डेवलप्ड आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार सेकेंड में आप जानते हैं जापान और अमेरिका दो अलग अलग कैंप्स में थे। जापान ने
अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक किया और उसके बहुत सारे जहाजों को नुकसान पहुंचाया। इन रिटेलिएशन टू दैट अमेरिका ड्रॉप्ड 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑन 2 मेगा सिटीज ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945 एंड टोटली डिवास्टेटेड दोज 2 सिटीज, पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इतना बर्बाद कर दिया कि वहाँ पे कुछ सालों तक कुछ उगा ही नहीं और जो लोग पैदा हुए वो भी लंगड़े लूले पैदा हुए। इस लेवल पे एनमिटी थी उनके बीच में, लेकिन आज वो दोनों देश दोस्त हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के बाद उनको समझ आया कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा, हमें दोस्त हो जाना चाहिए। आज वो दोनों पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ठीक, ऐसे हमारे घर में हमें कई बार हम अपने घर वालों से बहुत लड़ते हैं, लेकिन जिससे ज़्यादा लड़ते हैं उससे ज़्यादा प्यार होता है। हम अपनी माँ से बड़ी शिकायत करते हैं, अपने बाप से बड़ी शिकायत करते हैं, लेकिन जब हम उनसे दूर हो जाते हैं तो हमें उनकी सबसे ज़्यादा याद आती है। इट मीन्स वो कॉन्फ्लिक्ट किस, वो क्या कर रहा है, वो एसोसिएशन दिखा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट एज एसोसिएशन, जैसे सिमल बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट एज एसोसिएशन। कि कॉन्फ्लिक्ट, अब देखो ना, आप नए नए किसी को दोस्त बनाओ तो फॉर्मेलिटी होती है, कोई इतना वो नहीं होता, हाँ ठीक है, आप उसकी बात में हाँ में हाँ करते रहते हो, चाहे गलत भी हो आप कहते हैं हाँ ठीक है हाँ जी जी बिल्कुल आप ठीक कर रहे हो। लेकिन जब दोस्ती गहरी होने लगती है तो हम उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, तुम ये गलत करते हो, तुम्हें पता नहीं चलता है, हम हक जमाते हैं उसके ऊपर। जब हम हक जमाने लगे, हम उससे झगड़ने लगे, तो मेरा रिश्ता मजबूत हो रहा है, रिश्ते में अपनापन आ रहा है। ठीक है, टू द कॉन्फ्लिक्ट थेरीज, सोसाइटी इज हेल्ड टूगेदर बाई एनफोर्स कॉन्स्ट्रेंट दैट सम पोजिशन इन सोसाइटी आर डेलीगेटेड पावर एंड अथॉरिटी ओवर अदर्स। डायरेंडॉफ ये कहते हैं सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी पोजिशन हैं, किसी के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, किसी के पास कम अथॉरिटी, लेकिन अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में। अब ये जो पोजिशन